नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग भर्ती 2018 की, जिसमें चाहे PH कैंडिडेट हो, चाहे डाइवोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, RNC मैटर, संविदा कर्मचारी और नियुक्ति से आ रही समस्याओं से संबंधित यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं संविदा कर्मचारियों से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारियों को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, जिसके कारण नर्सिंग भर्ती 2018 की नियुक्ति सूची में चयनित जो भी ANM और GNM भाई बहन है संविदा कर्मचारी, उनके परीक्षा काल एवं ज्वाइनिंग की समस्याओं के समाधान के लिए आज डॉक्टर महेश जी जोशी, जो मुख्य सचेतक हैं राजस्थान सरकार से, की उनसे मुलाकात की और यहाँ पर स्पष्ट गाइडलाइन जारी करवाने की यहाँ पर बात की, ताकि जो संविदा कर्मचारियों का भी जो प्रोबेशन पीरियड है, सीनियरिटी है, वो डिसाइड किया जा सके। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, विभाग की ओर से चयनित जो संविदा नर्सेज हैं, उनके परीक्षा काल, ज्वाइनिंग और सीनियरिटी को लेकर जल्द यहाँ पर गाइडलाइन जारी करने की बात कही गई। जी हाँ दोस्तों, तो आप मैं बता दूं, जो भी संविदा कर्मचारी हैं वो जरा भी यहाँ पर पैनिक ना हो, उनकी जल्द ही जो सीनियरिटी है, प्रोबेशन पीरियड है, इसके अलावा ज्वाइनिंग को लेकर जो भी समस्या आ रही है, उनको लेकर स्पष्ट यहाँ पर विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं नियुक्ति से संबंधित। विभिन्न अभ्यर्थियों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर, बार बार बताने के बाद में भी आ रही है कि सर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पर प्रस्तुत करने पड़ेंगे ज्वाइनिंग के समय। तो दोस्तों, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ANM और GNM दोनों के लिए। सबसे पहला जो है अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप संविदा कार्मिक हैं, पूर्व में आपने अगर काम किया है। इसके अलावा एक मैं ये बात भी बता दूं, संविदा कर्मचारियों से संबंधित जो भी गाइडलाइन है वो सरकार द्वारा जल्द यहाँ पर विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिसंबर यानी कि जनवरी से पूर्व पूर्व ही अपनी जो संविदा की नौकरी है उसे रिजाइन दे दिया है, वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर उनको डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत करने वाले का विवरण है अनुभव प्रमाण पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, SP द्वारा जारी किया गया पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, यानी कि उसमें आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड बाद में मेरे द्वारा यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन है वो जमा करवा दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, इनकी हेल्थ सर्टिफिकेट है। आप दोस्तों मैं बता दूं, सब जो चीजें हैं एक एक नोट कर लें। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट जो CMHO से प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जिला हॉस्पिटल में जाना होगा। आपको मैं बता दूं, जिला हॉस्पिटल में एक 10 रुपए की पर्ची कटेगी आपकी। इसके बाद में जो फीस है हेल्थ सर्टिफिकेट की, वो उसकी पर्ची कटेगी और आप उसको अधीक्षक से बनवा सकते हैं। इसके बाद में PMO के साइन होंगे और काउंटर साइन होंगे CMHO साहब के। तो इस प्रकार से आप हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी की चर्चा करेंगे, चाहे वो RNC मैटर हो, PH वाले हो, डाइवोर्स वाले हो, संविदा कर्मचारी हो या ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो तीसरा, जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है, 1/6/2002 के बाद तीसरी संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र, यानी कि 2 से ज्यादा बच्चे न हो, इसका प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर जो एफिडेविट है वो प्रोवाइड करवाना होगा। इसके अलावा आपको जो नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है 28 अप्रैल 2020 को, उसकी प्रति, उसमें आपका नाम कितने नंबर पे अंकित है उसकी, उस पेज की कॉपी। इसके अलावा सेकेंडरी की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट, 12वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यानी कि नवीनतम जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, OBC और EWS की स्थिति में 1 वर्ष से अधिक पुराना यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग जो TSP एरिया के अभ्यर्थी हैं और जिनकी ज्वाइनिंग TSP एरिया में हुई है, उनको यहाँ पर विशेष जो मूल निवास है, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे कि कल विभाग ने गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है कि जो TSP एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनको
जो मूल निवास है वो ओनली मूल निवास ही प्रस्तुत नहीं करना है, विशेष प्रकार का जो मूल निवास है वो यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अलग अलग वर्षों के एनम और जीएनएम की जो अंक तालिकाएं हैं प्लस जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र है वो, विवाह अगर आप मैरिड हो तो आपका विवाह प्रमाण पत्र, यदि शादी 22 मई 2006 से पूर्व हुई है वो, तथा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया हो तो इस आशय का शपथ पत्र, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि उस टाइम मैरिज सर्टिफिकेट लगभग बनना चालू नहीं हुए थे, इस वजह से 22 मई 2006 से पहले जिसकी शादी हुई है उसको एक शपथ पत्र भी जमा करवाना होगा। इसके अलावा दहेज अगर मैरिड है तो दहेज न तो लिया गया है न ही दिया गया है, इस आशय का आपको प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा धूम्रपान तंबाकू गुटखा आदि का सेवन न करने का प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दस्तावेज हैं वो कूट रचित नहीं है, इसका भी आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, एफिडेविट प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कि ये जो 3-4 एफिडेविट हैं, दहेज धूम्रपान जो डॉक्यूमेंट कूट रचित नहीं है वो एक ही में आ जाएंगे 50। और मैं बता दूं दोस्तों ये जो एफिडेविट है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेंगे, तो दोस्तों 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको ये बनवाने हैं। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों संपूर्ण जो अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे हैं उनका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी टीम है वो लगातार कमेंट्स का आपका अध्ययन करते रहती है और आगे आने वाले वीडियो में रिप्लाई करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अन्य कोई भी जो अतिरिक्त दस्तावेज है जो काउंसलिंग के समय निदेशालय में प्रस्तुत किए गए हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आपको मैं बता दूं मूल दस्तावेज प्लस इसकी फोटोकॉपी शेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं बता दूं, आप अगर पुलिस अधीक्षक का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप इसकी अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेशर्स अभ्यर्थी हैं उनको एक शपथ पत्र इस आशय का ले रहे हैं कि वो वर्तमान में न तो संविदा कर्मचारी हैं यानी कि संविदा पद पर कार्यरत नहीं है, इस आशय का भी प्रमाण पत्र उनको यानी कि एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये ज्वाइनिंग के सारे दोस्तों आप मैं बता दूं नोट कर लो, आपको इम्पोर्टेंट दस्तावेज है जो हमने बताए। इसके अलावा पीएच कैंडिडेट डाइवोर्स, इसके अलावा जो फाइनल सूची में जो अंत में जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग को लेकर जो अभी ऑर्डर नहीं हुए, पहले से पोस्टिंग जारी नहीं हुई, उनके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं जिनके कोर्ट केस हैं, इसके अलावा जिनके कोर्ट केस नहीं है उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनके बार बार कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी भी जो 3674 जो पद हैं उनकी ज्वाइनिंग के भी पूरे प्रयास यहाँ पर जारी हैं, जल्द आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग दिलवाई जाएगी एनएम जीएनएम भर्ती 2018 में। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 3 से 4 टॉपिक पे बात की, पहले जो संविदा कर्मचारियों की स्पष्ट गाइडलाइन के बारे में जो विभाग 1 से 2 दिन में यहाँ पर जारी कर देगा, इसके अलावा जो एएनएम और जीएनएम अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग के समय आने वाली समस्याएं कि किस प्रकार से आपको दस्तावेज सेट करने हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। इसके अलावा पीएच डाइवोर्स का मैटर वो भी हमने आपको बता दिया कि प्रयासरत हैं आप, जल्द सफलता मिलेगी आपके भी, जल्द प्लस ऑफ पोस्टिंग के ऑर्डर जारी हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब, और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।